देखें गैस और कंटिन्यू अंदर करा रहा है। प्रार्थना के बारे में देख के आ रहा है अपन, क्या पता देखा था गिरने को हम दे गए बराबर। जब प्रार्थना करने के समय हम क्या लेने ना है, अब चुप नहीं रहते हुए हमारे गिरने पर क्या करना है, पीसा हुआ टूटा हुआ गिरने ही मन ही परमेश्वर के हाथ है। लेकिन प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करने के हम बैठते ही हम क्या करना है, वचन पढ़ो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले 1 पंद्रह हन्ना ध्यान्स म्हणाली, माझे स्वामी मी दुखित हृदयांची स्त्री आहे, मी द्राक्षरसाची किंवा दारूचे सेवन केलेले नाही, मी परमेश्वरा समोर मन मोकळे करून बोलत होते। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाकमधु पिया और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। इधर बताया जाता है मैं यहोवा हम देख के आता है प्रार्थना किसी प्रकार करना, एक देखा था विश्वास के साथ, उसके बाद में वो ये सब देखे याद देखा था और परमेश्वर के साथ के एक क्या है कड़े संपर्क जुड़ना है। प्रार्थना मोसे परमेश्वर के साथ तुरंत खड़े की क्या करता है सेनाओं का एक हुआ प्रार्थना क्या करना सुन ले डायरेक्ट क्या करता है कनेक्ट संपर्क जुड़वाता है। दूसरा हम देखा था प्रार्थना कैसा करना था कि हृदय को क्या करना उंडेल देना है, तो हृदय मन करता है परमेश्वर से जाते हैं, वो परमेश्वर होने के नाते हम क्या करना है परमेश्वर का योग्य मर्यादा कभी भी देने का, परमेश्वर को जानने के बाद में परमेश्वर योग्य मर्यादा हम क्या करना देना है, नहीं देगा तो फिर क्या करेगा हमारा मन को अंधेरा कर देता है, ताकि मनुष्य में उनको नहीं गिनना है कभी भी, वो परमेश्वर का सामने देखो। हम एक थोड़ा आज नगर सेवक हमारे घर में आएगा करके हम बोलेंगे तो आप कितनी तैयारी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। आज हमारे घर में कौन आएगा, वो नगर सेवक का आएगा, नगर सेवक का बैकग्राउंड देखो तो बहुत बेकार ही रहेगा, फिर भी उसके पद क्या है नगर सेवक, वो आएगा करके बोलने से कितनी तैयारी करता है समझ गया, कितनी तैयारी उसके सामने हम बैठेंगे नहीं, सब क्या करेगा क्या 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 सामान लेके सजा विजय क्या क्या करके उसको क्या कर लेता है इन्वाइट करने के लिए हम रखते हैं, ताकि तो परमेश्वर क्या बोलता है एक साधारण पापी इंसान के लिए हम क्या करता है बहुत बड़ा क्या करता है तैयारी करता है। ऐसा हम देखते हैं तो ये मनमोहन सिंह वो प्रेसिडेंट वो उन के पीछे वो और आप ये 15 अगस्त को वो और 26 जनवरी को क्या परेड वगैरह पूरा किसके सामने होता है, कितना उनका अभिवादन लेकर क्या करता है वो इन्वाइट किसी प्रकार करता है, क्योंकि ये देश का देश को राज करने वाला है, कितना प्रकार का एक 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 देखने को इतनी भी एक बाल का उतना भी वो लोग क्या नहीं करता है आगे पीछे नहीं होता, इतना एक मर्यादा उनको क्या कर लेता है दे देता है उनको इन्वाइट करने के समय, वो एक इंसान का इतनी बड़ा मर्यादा और उनका हम डायरेक्ट देख ही नहीं मनमोहन सिंह या ये मोदी के देख पाएंगे हम डायरेक्ट जाएगा तो नहीं जा पाएंगे डायरेक्ट कभी देख नहीं पाएगा, और प्रेसिडेंट को अंदर भी घुसने के लिए क्या नहीं है एंट्री हमको नहीं होता है, इतनी प्रकार को उनको क्या कहते हैं सुरक्षा कवच रहता है, तो एक इंसान इतनी प्रकार के होते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में आने के समय हम क्या करते हैं, मैं परमेश्वर बोलता तो मनुष्य में मुझे नहीं गिनना है मैं कौन हूँ परमेश्वर इसमें योग्य मर्यादा, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए हम बैठते ही हर एक बातों में, तो प्रार्थना करने के लिए बैठने के समय हम क्या करना है कमर बांध समझ गया, एक नौकर एक अपने मालिक को खाना देने के समय सब काम करके आकर वो क्या कर लेता है नौकर मालिक क्या कर लेता है बैठता रहता है कुर्सी पे, नौकर क्या करता है पूरा काम करना खेती वो ये करके आने के बाद में कमर में टॉवल बांध कर क्या करता है
मालिक को खानों खाना परोसने के बाद में कौन खाता है? उसी नौकर का। तो हम भी आने के समय क्या करना है? परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, कमर बांध कर दयालु परमेश्वर आपके सम्मुख में क्या निकल पाएंगे? बैठने के लिए मैं योग्य नहीं। स्वर्गदूत भी क्या करता है? दो पैरों से पंख क्या कर, दो पंखों से पैर को क्या करता है? डाप लेते हैं, दो पंखों से मुंह को डाप लेते हैं। मैं वो स्वर्गदूत क्या है? पवित्र है वो, उसके पास पाप नहीं है। दो पंखों से उड़ उड़ कर क्या करता है? वो पवित्र होने पर भी मुंह से क्या बोलता है? मैं देख नहीं पाऊंगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे पैर को क्या नहीं कर पाएगा, उनके सबों में दिखाऊंगा नहीं। तो सब कवर करके परमेश्वर समूह में क्या करता है? आराधना करता है। उड़ो हम किधर का है बताओ? हम कुछ भी नहीं है, हम आज खड़े हैं। परमेश्वर उन्होंने हमको क्या किया है? लव से खरीदने के कारण उन्होंने मनुष्य को रूप धारण करके आने का। अब क्या बोल सकते हैं? हमारे पास कौन सा घमंड, हमारे पास कौन सा खूबी है? उन्होंने ना खड़ा करके रखा, नहीं तो हम क्या नहीं है? हमको मालूम है वो चलने के मार्ग हमारे पास था, हमारे पास जीवन था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? पाप में से छुड़ाया, चलने के लिए क्या किया है? सब लिख कर हाथ में देने कर पढ़ बढ़ के सुन सुन के थोड़ा बहुत क्या कर रहा है? चल रहा है। हमारे पास कौन सा खूबी है? वो ऐसा इंसान हम परमेश्वर के पास आने के टाइम क्या करना? प्रार्थना में घुटने डालने के समय हम घुटने डाल कर मेरे पैरों को क्या नहीं करेगा? दिखाऊंगा सामने, मेरे पैर को नहीं दिखाऊंगा, मेरे घुटने में क्या करेगा? खड़ा। तो स्त्री है तो सर को अच्छी तरह से क्या करना? डाल कर क्या करना है? प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने के साथ शुद्ध होना पहले, समझ गया ना? अब एक हफ्ता पूरा हम हमारा मर्जी कुछ भी हो तो करते रहे, परमेश्वर हमको आने के बजे क्या करो? दो जाने अनजाने मर्जी में क्या रहेगा? हो जाता है कभी प्रार्थना कमियाँ हो जाता है, वचन पढ़ना कमियाँ हो जाता है, काम हमको जास्ती हो जाता है, कुछ तो भी हमारे जीवन में क्या हो जाता है? हो जाता है। हम ऐसा नहीं पड़ा पाप करने नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ तो क्या करें परमेश्वर के साथ हम समय बिताना कम हो जाता है। तो आपकी क्या करना है? जैसे संगति में बैठने के समय आप प्रार्थना के बैठने के टाइम क्या करना है? तो शुद्ध होना पहले, रो रो के क्या करना है? शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मैं पापी इंसान, समझ गया? तो ये शुद्ध होकर हम क्या करना है? आज स्तुति करता हुआ हम प्रार्थना में जाएगा, पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण में लेगा। सबसे बड़ा चीज हृदय मन के अंदर कोई भी बात नहीं रखना, मन को उंडेर देना है, समझ गया? ये नहीं कि रोने के बाद ये नहीं, तो उंडेरना बोले तो कपट इस मन नहीं रहना। मन के अंदर एक बात, मुंह में एक बात तरह की प्रार्थना नहीं करना है। फिर मन को पूरी तरह से क्या करना है? उंडेर देना। हम कैसा भी हो सकता है, मनुष्य के सामने तो हम नहीं बैठे थे, हम बोलेगा नहीं तभी परमेश्वर का बारे में मालूम है। तो हम क्या करना है? उसके पहले क्या करना है? हम ही खुद क्या करना है? निकाल कर रख देना। तो पाखंडित जीवन नहीं रहते हुए, दो मन नहीं रहते हुए, पूरा हमारा मन में जो भी बातें और मेरे को मालूम है मेरा परमेश्वर मालूम है, अकेला बैठ कर क्या करना है? तोड़ कर पूरा क्या करना? उंडेर लो। एक करा जीवन में क्या करना है ना? हमको तो हमको मालूम है, हम क्योंकि हमारा मन हर समय हमको क्या कर लेता है? बताता है। ऐसा नहीं कि हम जिधर भी हमको कुछ होएगा तो बताता है, अगर नहीं बता रहा तो मन को क्या कर दिया? परमेश्वर ही बंद कर दिया, वो याद रख लिया, नहीं तो सारे बात क्या कर लेता। अब थोड़ा भी प्रार्थना में भी कम हो जाते तो तुरंत आपको क्या करते हैं? बेचे नहीं रहता है, सारे आपको परमेश्वर बताता है, सारे निकाल के क्या करना है? क्या है मन में एक ही भी बात परमेश्वर का विरुद्ध का बात नहीं रखना, कोई शारीरिकता का बात, कुछ भी बात बताएगा शारीरिक का, ये सब हमारे अंदर रहता है, ये सबको निकाल के क्या करना है? बाहर रखना, उंडेल देना मन के अंदर परमेश्वर का अलावा एक ही भी चीज रखने के लिए क्या नहीं देना, आप जगह नहीं देना। अगर एक भी चीज वो शारीरिकता का काम है ना, शारीरिक काम, उसमें एक ही भी बात आपके अंदर बैठता है ना, परमेश्वर नहीं रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है,
दिन ब दिन क्या करना है, इसमें से पूरा निकाल कर किधर रखना है, पूरा हम खुद निकाल कर, हम खुद निकालने तक उन्होंने क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हम खुद निकाला, मेरे पास क्या है, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा है, जेलस है, समझ गया, मेरे को ये नहीं रखना, मेरे मन का अंदर क्या है, ये नहीं रखना है, बल्कि पूरा निकाल कर क्या करना है। मैं किसी किसी प्रकार में जेलस होता है, मेरे मन में गुस्सा क्यों होता है, समझ गया, मेरे मन में बहर क्यों आता है, मेरे को झगड़ा क्यों आता है, ये एक एक बात निकाल कर क्या करना है, रखना, कुंडलने के मतलब पूरा निकाल कर क्या करना है, रखकर ये बात मेरे को वापस क्या नहीं करना, नहीं आना है। दैव राजा तक क्या उनके क्या कहता है, बीजने तक वो रो रो के क्या करता है, और उसको बल निकालने तक रोता हूँ, परमेश्वर समझ, वो ताकत है ना, वो ताकत निकालने तक क्या करता है, रोता है। इसी प्रकार हम क्या करना है, ये सभी चीज़ों को निकाल कर रखे, ये चीज़ मेरे से जाता है, और बल निकालने तक क्या करना, रोना, और जितना ताकत हो उतना ताकत से किसके पास रोना है, परमेश्वर को। रोने के समय जो भी चीज़ निकाल कर रखा ना कमज़ोर हो जाता है, परमेश्वर मालूम पड़ता है मेरे बच्चे को मन है, इसमें से छूटने का, कमज़ोर कर देता, धीरे धीरे से वो चीज़ क्या हो जाता है, निकल जाता है हमसे। कुंडे देना मन को क्या करना है, जो भी कुंडे ना उसको निकालना पड़ेगा, तो पूरा बल निकलने तक क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, समझ गया, रोना पड़ेगा, ऐसे रो के और पूरा निकाल कर रखेंगे तो उसमें क्या करेगा, परमेश्वर उसको ही क्या करेगा, दोएगा, बाकी नहीं। हम सोचते हैं कभी 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 प्रार्थना करते हैं चीखने, इसे मन को उंडेलने के लिए प्रार्थना लेना है, परमेश्वर सम्मुख में आने के बाद हमको हम काली करना, ये काली करके परमेश्वर सम्मुख में क्या करना है, देना हमारा काम है। अगर हम काली नहीं करते हैं, अगर परमेश्वर हमारे लिए कीमत दे चुका है, कीमत हम पा लिया है, तो परमेश्वर क्या करेगा, काली करेगा। अगर हम काली नहीं करते हुए परमेश्वर काली करेगा तो क्या होने वाला है, मालूम है, दर्द लगेगा, नहीं डॉक्टर के पास बोलेगा तो डॉक्टर क्या बोलता है, नहीं कुछ फोड़ा पीड़ा रहेगा तो क्या बोलता है, आप थोड़ा उधर से क्या करना, मोर रखना में कर लेगा, हम वो बातों से सुनना तो आसान से क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, चार जन को पकड़ के रखे, जितना जो मिलने वाला टाइम पर उसको जितना ताकत उतना ताकत से क्या करेगा, मरोड़ के निकाल देगा। हमको हमारा समय परमेश्वर देता है वो टाइम हम खुद क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर जिसको छूना है वो कभी नहीं छूएगा, खाली करेगा नहीं तो करवाएगा, खुद करवाएगा, समय खुद करवाने के समय दर्द बहुत होता है, समझ गया ना, इसलिए हम उंडेल देना, मन के अंदर एक ही भी बात नहीं रहना, केवल लालसा केवल को नहीं रहना, मेरे मन के अंदर मेरा लालसा केवल परमेश्वर है, इसके अलावा कुछ भी मन का अंदर क्या नहीं रखना, नहीं रखना है। इसी प्रकार चलेंगे तभी क्या करेगा, तभी क्या करेगा, एक ही मन, एक ही मन के बारे में भी आपको लिया, तो जन एक ही मन से क्या करेगा, नहीं रहेगा साथ, क्या नहीं कर पाते तक चल नहीं पाएगा, हट जाएगा, दो मन के साथ दो जन चल सकते क्या, दोनों का एक मन रहेगा ना तब ना, खाली करेगा, परमेश्वर पूरी तरह से आपको कवरेज करेगा, कवरेज करने के समय पवित्र आत्मा का भरपूर आप पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आप अन्य भाषा बोल सकता है, आप भिन्न भिन्न भाषा है, ऐसा परमेश्वर उसकी बात ही क्या करे, पूरा बैठने की जगह चाहिए ना, आप पौने जगह आपको चीज़ों से भर के रखेगा, थोड़े टाइम जगह देगा बैठ, उसमें से थोड़ी परमेश्वर पवित्र आत्मा का भरपूर होगा, इसलिए पूरा क्या करना है, खाली करना, खाली करके नहीं मांगता, अरे परमेश्वर मेरे से अटने वाला कोई भी चीज़ मेरा मन में मैं क्या नहीं करेगा, नहीं रखेगा, मेरा परमेश्वर ही मेरे को चाहिए, बाकी चीज कुछ भी हो जाए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जूझो निकाल कर उंडेल देने का, डाल देने का, पानी के जैसे उसको निकाल कर क्या करना है, उंडेलना कैसा, हम जितना ताकत हमको चाहिए कि
ये मेरे से पूरी तरह से निकलना। भगवान ने अगर आप ऐसा रोगे ऐसा रोएगा ऐसा रोएगा क्यों मेरे से नहीं निकलता है, क्या क्यों नहीं निकलता है, बल निकालने की रोएगा ना वो पिघल जाता है, पिघल गया तो क्या हो जाता है, अब उंडेल सकता है ऐसा नहीं, कच्चा कच्चा वो आदमी टूट कर नहीं आएगा, थोड़ी उधर आप काट काट के निकलेगा, जितना हमारा मन को मरोड़ेगा मन से तभी वो पिघल जाएगा, तो आप क्या करते हैं उंडेल लेंगे, समझ गया ना, इसलिए कच्चा कच्चा कोई प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद आपको प्रार्थना का तरीका अलग भी मसीह ये करके एक ही लक्षण है उनका प्रार्थना मालूम पड़ता है, और प्रार्थना से मालूम पड़ते ये लोग बने मसीह लोग ऐसी प्रार्थना क्या करता रहता है, इसलिए आप क्या करना उंडेल देना है, मिले ना मिले उंडेलने बाद में आपको सबसे पक्का एक ये रहेगा मेरे परमेश्वर पूरी तरह से मुझे क्या कर दिया है पंगुतले रख दिया है, अरे परमेश्वर पूरा मुझे कवरेज करने बाद आपको कोई क्या नहीं है चिंता का जरूरत नहीं, अरे परमेश्वर मुझे क्या करेगा चलाएगा संभालेगा, तो उनकी इच्छा कर उसके बाद में एक दृप्त आता है कुछ भी हो जाए क्या है उनके इच्छा कर से वो उसके बाद में क्या हो जाता है एक आ जाता है, समझ गया ना, नहीं तो हमको ये सब चीज़ देने के टाइम हमारा चाल चलन और डिफरेंट क्या करता है मालूम पड़ता है, चलने चलने से यीशु मसीह बोलता है मुझे पकड़ाने वाला आ रहा है, ये मेरे पास कोई दोष नहीं है, समझ गया ना, इसलिए उनको बाल लोचा सर पे मुकुट काटे के मुकुट रखे मारा और आँख बंद करके मारा थूका क्या क्या नहीं किया उनको, तो कोड़े लगवाया किले मारा बीच रास्ता पे उनको टगवा के रखा, मुँह भी नहीं खोला, क्यों वो नहीं खोला, कुछ नहीं है मुँह खोले उनके पास, हृदय मन का अंदर क्या नहीं है पिता का आज्ञा का अलावा उनके पास कुछ भी नहीं, क्यों क्या नहीं करता है क्या नहीं करता है, वो मुँह भी नहीं खोला, समझ गया, ये चीज़ हमारे पास बोले तो हम छोड़ेंगे क्यों, हमारे पास है हमारे पास अच्छा सारे चीज़ है, इसलिए हम क्या नहीं करते, समझ गया, थोड़ा कुछ होते हैं हम क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते बात समझता है, इसलिए तो इसलिए हम क्या करने का ये पूरा क्या करना उंडेलने के लिए देखने का, उंडेलने के देखेंगे तभी मसीह जीवन का मजा आपको मालूम पड़ेगा, और एक मन के साथ फिर साथ साथ क्या चलेंगे साथ साथ चलेंगे, मतलब एक सबसे बड़ा एक दुल्हा एक दुल्हन का क्या रिलेशन में क्या करेंगे तभी क्या करेगा आएगा एक दोस्त का रिलेशन में, तब हम परमेश्वर से बात कर सकता है, बात करेंगे उनका आवाज़ मालूम पड़ेगा, वो पूर्णता से हमें क्या कर लेता है पवित्र आत्मा का से क्या करता है कवरेज कर देता है, और ये भी याद रखो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आना हम उनके अंदर जाना ये दो प्रकार का है, हम अभी किधर खड़ा है मालूम है, उन्होंने हमको उद्धार दिया है, उन्होंने क्या कर दिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर के हमें वास से पवित्र आत्मा से परपूरी कर ये उन्होंने उन्होंने हमको क्या कर रहा है आके दिए देता है, ये पहले पहले और दोबारा क्या करना है मैं उधर जाना है, उधर जाना तो उंडेलना ही पड़ेगा, समझ गया ना, मैं उधर जाना तो मतलब मैं आत्मा के अंदर आत्मा मतलब मैं उधर क्या करना उनके पास उन्हीं आत्मा के अंदर मैं जाना है खुद जाना है, अभी उन्होंने क्या करता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सच्चाई से तुमको चलाएगा तुमको मार्ग दिखाएगा सामर्थ देगा, ये पर उन्होंने हमको क्या कर रहा है चला रहा है, ये पहले स्टेज ये छोड़कर किधर जाने का मन का पूरा उंडेल कर खाली करके उनके पूरा जगह देकर हम जीने के समय हम किधर आएगा उनके अंदर हम उसके पास जाएगा, ये परमेश्वर चाहते हैं हमसे, ये तो सबको मिलेगा उद्धार पवित्र आत्मा पर प्रिय सबके लिए रखा गया, लेकिन मैं आगे क्या करता होता है ना व्यवस्था केवल है और तुमसे कुछ अपेक्षा है, व्यवस्था केवल तुम पालन करने की बात नहीं है और मैं तुमसे कुछ क्या करता है अपेक्षा करता है परमेश्वर वो अपेक्षा करता है, उन्होंने देना देना नहीं है उसे भी बढ़कर अपेक्षा क्या करता है हमसे
करता है, समझ गया ना। तो ऐसे केल में बताने के समय वही आकर अंदर बहिया, मतलब उनका मन को जानने हिसाब से हम क्या कर देंगे, तो उनका मन का पूरे बात हमको मालूम हो जाता है उसके बारे में। तो वो हम आत्मा यही क्या होता है मालूम में, ये योहान उस डाकू में ये जाता है, समझ गया। आत्मा का अंदर कौन जा रहा है, इन्होंने जा रहा है, तभी क्या कर लेता है पूरा बात मालूम पड़ता है उनका। हमको ये सब हमारे लिए क्या है, पवित्र आत्मा का छाप हमको उद्धार के लिए दिया गया है, छाप है हमको शुद्धिकरण के लिए दिया हुआ छाप है, ये सब हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, ये हम फटाफट इसमें से होकर उधर क्या करना है पहुँच, समझ गए। हम इसके अंदर भी नहीं है, तो उन्होंने हमारे लिए मुफ्त गिफ्टेड में देते हैं ना, ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है। हम इसमें से पूरा होकर फिर क्या किधर जाना है, उधर जाना, तभी जाने के समय उनके मन के बात ये आत्मा का, तभी आत्मिक जीवन का लेवल हाई लेवल। तो उसके बाद में आपको क्या नहीं करेगा, डुलते डुलते जीवन फिर हमारे पास नहीं आएगा। कौन सा भी समस्या, कौन सा भी संकट, कौन सा भी तकलीफ, आपको वो तकलीफ क्या नहीं करेगा, वो तकलीफ क्या नहीं करेगा, वो दिखेगा नहीं, वो समस्या दिखेगा नहीं, उसमें से कोई आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं कर पाएंगे, समझ गया। अभी हमको तकलीफ समस्या अभी तक आया नहीं है, अभी ये तो छोटा मोटा है ना, ये सब लोगों का आने दे, ये छोटा मोटा बहुत बड़ा क्या बताऊं, वैसे लोगों का तकलीफ लोगों का जैसा नहीं है, क्लेश है वो, आने के टाइम हम क्या कर सकता है, रुक सकता है, समझ गया। इसलिए हम क्या करना है, ये पहली पहल छोड़कर जो जब पवित्र आत्मा का परपूरित पाया है, हम किधर जाना है, आप मेरा हाथ पकड़ा, अभी मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, समझ गया। आप बच्चों का हाथ पकड़ के चलाता है तो सोचता है मेरा हाथ भी मेरा बच्चे एक दिन क्या करें पकड़े, तो हम उनके हाथ पकड़ने के लिए क्या करना है, तैयारी होना, समझ गया। तो इसके लिए क्या करना है, ये देखो उंडेलना प्रार्थना चीज होता है, उठने डाल दिया गया, स्वर्ग के साथ कनेक्शन जुड़ गया, क्या तुरंत क्या करना है, इंद्र उंडेलना है। पाप और संसार में आपको प्रार्थना का कमीज नहीं होता, क्या कम होता है प्रार्थना को, आप कितनी घंटे भी प्रार्थना करेगा क्या नहीं करेगा, पेट भरता है नहीं भरेगा, कितनी बातें पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, याद दिलाता 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 ही आएगा। आप प्रार्थना करता 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 क्या आपको समय भी क्या नहीं करेगा, कितना टाइम रहेगा तो भी आपको क्या नहीं करेगा, मालूम नहीं पड़ेगा, चलाने वाला पवित्र आत्मा बनेगा, समझता है ना। इसलिए क्या करना है, ये देखो उंडे लावा प्रार्थना, तो अभी कल प्रार्थना है, पहले हम पहले प्रार्थना में क्या करना है, मजबूत होना है। प्रार्थना में एक तो मजबूत होंगे, फिर आगे हमारा क्या रहेगा चलना, ठीक है। तो अगले पॉइंट, आत्मा का अंदर का आत्मा पता ही देगा, यही चुनाकरार में आलोक यही प्रकार ही क्या किया था, इसके बोलता है साथ साथ चलना, वो परमेश्वर जिधर मतलब क्या सोचता वो बात किधर आ जाता है। दाई राजा छाती पे नहीं, योहान छाती पर सोया, और ये दावी राजा का परमेश्वर मतलब मेरा मन का जैसा, ये सब वो लेवल वाले, लो लेवल वाले नहीं है, ये कौन सा लेवल वाला है, हाई लेवल वाला है। इसलिए उतनी बातें क्या कर लेता है, ज्ञान बातें हैं। पौलुस बोलता है मैं अभी तक पाया नहीं हूँ, इसलिए वो चीज़ पकड़ने के लिए क्या कर लेता है, ये सब मुफ्त में सबको मिल जाएंगे, वो चीज़ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा लाभदायक चीज़ को तोड़कर और दौड़ना पड़ता है। ये सब हाई लेवल वाले हैं, हम भी कौन है, हमको नहीं है, हम भी वहाँ तक पहुँचना है, समझे। इसलिए मन का अंदर कोई भी शारीरिक बात आप क्या नहीं करना है, रख रहा नहीं है, ये पर बाद में आपको बताई देगा अच्छा तरह से खोल कर, ये दोनों दो है, पाना हमको पाना अलग है, हम जाना अलग है, समझ गया ना।
पाना अलग है और हम आत्मा का तरफ जाना अलग है। ये हम पाते हैं आत्मा और जाना है, हम जाना है आत्मा का तरफ। कभी भी कभी हम सोचे हम क्या करेगा, हम जाएंगे। कभी हम सोचे हम क्या करेंगे, आत्मा का अंदर जा सकता है। पाने के वो पाने के पहले स्टेप पाले लिखा, उसके बाद वो उसमें मैचर होते हुए कभी आप बैठे ना, ये चाहिए, ये स्वर्ग का चीज देखना है, तो ये दिखा, वो दिखा, और ये बातें बता, प्रकटीकरण, ये सब कब आएगा, तीसरा स्टेज में प्रकट करता है अलग, समझ गया ना। बाइबल पढ़ना, दूसरा मनन करना, तीसरा प्रकटीकरण है। प्रकटीकरण क्या है, उन्होंने उनके ये वचन के बारे में वो क्या सोचता है। मनन अलग रहता है, पढ़ाई स्टडी वगैरह वो मनन में आ जाएगा, समझ गया ना। और लेकिन ये वचन पर आप क्या सोचता है वो बताइए, वो प्रकट कर, समझ गया। उन्होंने सोचना अलग रहता है, मनन से भी बढ़कर प्रकटीकरण क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो उसके बारे में इसके अंदर तो बातें बताई थी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। हम वो लेवल में हम क्या करना है, पहुँचना है। हम कुछ भी नहीं है, हम आज तक क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम कोई उद्धार है या कुछ सही बपतिस्मा है, सही पवित्र आत्मा है, सही अन्य भाषा है, कुछ भी बात अभी तक कलिसिया में क्या नहीं है, ठीक नहीं। हम ये सब में क्या करना है, बनना है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करो, एक देखो एक मैचर हो गया, दूसरा के लिए प्रार्थना करो, कलिसिया के लिए प्रार्थना करो, समझ गया। एक कमजोर है उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करके हम सब क्या करना है, साथ में बढ़ना है, ठीक है। और पढ़ो दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 20वां वचन। या वरुण हिजकिया राजा आणि संदेशा यशया बिन आमोज व दोषांनी प्रार्थना केली आणि स्वर्गाकडे पाहून धावा केला। धावा इंदी। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। स्वर्ग की ओर दुहाई दी ना। और इंग्लिश में इसमें दिया गया रोया। इसे क्या राजा का आया हुआ वो घटना से क्या करता है, रोया। प्रार्थना और क्या चीज है, वो कैसा करना, रोना। ये देखो उंडेलना, उसके पहले संपर्क जुड़ना और हृदय को उंडेलना, तीसरा क्या है, रोना। प्रार्थना क्या चीज होते हैं, रोना। प्रार्थना भी क्या है, प्रार्थना करके क्या भी फिर से पढ़ो। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने का दोनों ने प्रार्थना भी किया और स्वर की ओर दुहाई दी। दुहाई, समझ लिया ना। हिंदी में और क्या अच्छा बात इसका, दुहाई दी मतलब रोना, बराबर ना, रोना ना। ठीक है, कोई कोई बात की क्या करता है, रात दुहाई भी देना। सामने वाले से पापी है, जिसे दुहाई देना मतलब राजा राजा के पास, राजा लोग के पास कोई चीज मांगने जाता था तो उसको चाहे रोके कैसा भी वो पाई पके ही ये बात है। समझा, रोया मतलब उन लोग को वैसा संगड़ था, वो संगड़ में काली प्रार्थना नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से बढ़कर क्या करना है, रोना। मतलब ये इससे मेरे को क्या किया है, करना है। अब वो पढ़कर देखने के समय तो क्या उसमें सनहरी ना, हाँ तो सनहरी क्या किया है, इसे क्या तो विरोध आकर वो खाई बात क्या कर रहा है, उधर लोगों के पास बता रहा है। अभी क्या कर लेते हैं ये लोग खड़ा रह के, तो लोगों को उत्साह रहता है कि ये लोग कोई कुछ नहीं तुमको बचा नहीं सकता, उसको तुम्हारा इसका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लोगों को उत्साह रहा है उसके पास हमें। तभी ये लोग क्या करना, प्रार्थना करने से नहीं फिर क्या करना, ऐसा भी हम क्या रोते हैं गाकी रोते हैं मन में। तो बच्चे देखो चॉकलेट मांगते हैं,
चॉकलेट ऐसे मांग के तुम क्या करेगा, पापा पैसा दे चॉकलेट में, बात मांग के देता हूँ मैं, नहीं तो मैं लेके आता हूँ, ऐसा बोल देगा। लेकिन उसी जगह पर बच्चा रोएगा, मेरे को अभी क्या करना है, चाहिए चॉकलेट, अब क्या करेंगे, पॉकेट से पैसा लेके तो देगा, नहीं तो उधर से लेके जा अभी, क्योंकि रोएगा तो तुरंत क्या कर लेते, दे देते। बराबर, इधर प्रार्थना भी किया, रो रहा था कि अभी ये संकट से अभी आप मुझको क्या करना है, रोना मतलब तुरंत रोएगा तो परमेश्वर क्या कर लेते हैं, मरियम रोया, क्या किया था, मरियम रोया, यीशु भी रोया, रोया ना, मरियम रोया, यीशु भी क्या किया है, रोया, दो जगह पर बाइबल में रोया, एक यरूशलेम को देखिए यीशु रोया, और एक मरियम के पास जाकर क्या किया था, जरा प्रेम रखा था, लाजर मर गया, मालूम है यीशु को जी उठेगा, तो फिर भी क्या किया था, दुख देकर क्या कर रहा है, रो रहा है, वैसा नहीं है तो हमारा दुख देकर वो महाराजा का हमारा मनुष्य को बारे में पूरी तरह क्या कर लेता है, जाना हुआ परमेश्वर है, पूरी तरह मनुष्य कौन है, मनुष्य का आने वाला कष्ट कैसा है, व्याकुल कैसा, सब क्या करेगा माल में, तो माल ये दोनों भाई माँ बाप नहीं है, अभी भाई है था एक मर गया, वो कैसा रोएगा, तो सब माल में इसलिए क्या किया, मरियम रोया, यीशु भी क्या किया है, रोया है, तो रोने से क्या कर लेता मन में, जल्दी पा लेते हैं परमेश्वर समूह में सच्चाई से। रोना एक ही चीज है, तो इस ये एक हम रोने सबसे रोएगा क्या, सब रोना सुनेगा, नहीं सुनता हकदार, माँ बाप से रो तुरंत क्या कर लेते हैं, आंसू नहीं पा पाते हैं, पता है बच्चे रोएगा तो माँ बाप रहता है, ऐसा भी रहेगा तो क्या था, मन पिघल जाता है, रोएगा तो क्या हो जाता है, झूठा मिठू रोएगा तो भी क्या हो जाता है, किसको मन में झूठा रो, लेकिन रो रहा है तो क्या करेगा, ऐसा भी रोना देखिए कोई क्या नहीं करेगा, नहीं बैठेगा, रोएगा तुरंत उसको क्या कर लेता है, जवाब देता है परमेश्वर। हम भी कितना रोज की प्रार्थना करते हैं, अब प्रार्थना करते हमारी बातें बड़ी तसली आपको देगा, ताकि मेरा प्रार्थना क्या कर लिया है, सुन लिया, कभी ना कभी मेरा परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा ही है, वो पक्का मालूम है, समझ गया, कभी तुरंत देगा तो टाइम से देगा, लेकिन सुने हमको मालूम पड़ता है, ले रोना रो के क्या कर लेते हैं, तुरंत हम क्या कर लेते हैं, उनसे पा लेते हैं। प्रार्थना एक ये क्या है, मन को उंडेलना भी नहीं है और क्या भी है, और रोना भी रहता है, प्रार्थना के साथ क्या भी रहता है, रोता है, ताकि तुरंत मेरे को क्या करना है, पाना है, रोता है काटी पाता है, मेरे को तुरंत ये चीज़ें मतलब व्याकुल ऐसा हम रोता नहीं है, ऐसा रोते हैं क्या, कोई चीज़ है तो हमको भी मन को व्याकुल है, इससे हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन ये चाहिए वो समय हम क्या कर लेते हैं, रोता है, परमेश्वर मन देखता है, तुरंत क्या कर लेता है, छुड़ाने वाला कौन है, सबसे छुड़ाने वाला कौन है, उन्होंने ना हमको क्या कर लेता है, छुड़ा लेते हैं सारे संकट से, क्या कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। तब ऐसे क्या इधर परमेश्वर समूह में क्या था, अच्छे जीवन बीता है, ऐसे क्या तो परमेश्वर सम्मुख में राजा एक अच्छा जीवन बीता है, तो वो रोके खड़ा रहने पर परमेश्वर क्या नहीं करेगा, मैं बुलाने के समय तूने काल लगाएगा, तुम बुलाने टाइम में मैं भी नहीं काल लगाया, लेकिन ऐसे क्या राजा परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार क्या किया, चला, मतलब तुम मैं बुलाने टाइम तुम भी सुना, तुम बुलाने टाइम मैं भी क्या करेगा, सुनना ना वचन है ना, तुम मैं बुलाने के समय मैं तेरे को आज्ञा देने के समय तू चला, असल तुम बुलाने टाइम भी मैं क्या करेगा, मैं भी तुम्हारा सुनूंगा, तो करना ही है, समझ गया ना। मैं प्रार्थना हमको समय कोई चीज़ों को चाहिए, कोई चीज़ संकट है ये टाइम, इसमें से मेरे को छुटना है, छुटकारा इसमें पाना है, तो वो क्या कर देगा, पूरा राज्यों को नाश कर देगा, ऐसा समय का परमेश्वर समय कर प्रार्थना केवल नहीं क्या करना, रोना, परमेश्वर क्या कर लेता है, तुरंत उधर परमेश्वर काम कर लेते हैं, समझ गया ना। अब तो आपको तो अनुभव है, आप कितनी चीज़ क्या कर दिया है, पा लिया है उसके बाद, समझ गया, तो रोना हृदय कुंडेला केवल है, रोना है, तो और वचन पढ़ो, भजन संहिता 73:28, भजन संहिता 73:28 पढ़ते।
माझ्या विषयी म्हटले तर देवाजवळ जाणे यातच माझे कल्याण आहे. मी प्रभू परमेश्वराला आपले आश्रयस्थान केले आहे यासाठी की तुझी सर्व कृते जाहीर करावी. परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है. मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं. माझ्या विषयी म्हटले तर देवाजवळ जाणे यातच माझे कल्याण आहे. देवाजवळ जाणे हिंदी में क्या दिया? परमेश्वर के समीप रहना. परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे समीप मतलब ये क्या होता है मेरे में प्रार्थना एक चीज है उनको अमर साथ खींचने का अमर नजीक खींचने की एक चीज है प्रार्थना. प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर लेते हैं परमेश्वर को हमारे समीप हमारे जवल क्या कर लेता है खींच लेते हैं. समझ में अंडी को ड्रिप कर आकर्षित नहीं आकर्षित नहीं उनको आकर्षित कर नहीं पाएगा. प्रार्थना के द्वारा देखो वचन सुनते हैं लेकिन प्रार्थना में बैठ जाओ तो तुम कैसा प्रार्थना करता है. दाल जरा जब बोलते मेरे सामने उनको क्या कर दिया है खड़ा करके रखा. मतलब प्रार्थना करने का ये नहीं कि आकाश को उधर है दूसरा आकाश में इतने जोर जोर से चिल्ला के करेगा तो उधर जाएगा. नहीं प्रार्थना करने के लिए मैं किधर बिठा दिया आपको मेरे सामने बिठा दिया इसलिए ना मैं आपसे बात प्रार्थना के बात करना है ना बात करना है ना तो किधर बिठा दिया मेरे सामने बिठा है तो ना तो मैं आपसे बात करता हूँ तो नहीं बात करता हूँ. नहीं ऐसा अंधाधुनी से बात करते आप अंधाधुनी से रोते हैं अंधाधुनी से आपको सारी बात वो बताता है. नहीं हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ बात बताते हैं ना नहीं बताते हाँ हमारा गलतियाँ हम जो किया वो और कई कई बात तो मनुष्य के पास नहीं बोल पाएगा हमारा कष्ट तकलीफ संकट सारे कुछ ना बोलते हैं नहीं बोलता है. आ तो क्या दूसरा स्वर्ग देखी बोलते हैं क्या किधर है घुटने डालती मुझे परमेश्वर किधर आ गया मेरा प्रार्थना सुनने के लिए. मैं कभी भी मेरे सामने वो भी घुटने में मैं ये हमेशा मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनने के मेरे सामने इसे में हम क्या कहते हैं रोते हैं कितना रोते हैं ऐसा रोते हैं मेरे सामने उन्होंने क्या है प्रार्थना ऐसा चीज है स्वर्ग से तुम्हारे पास उसको क्या कर लेते हैं खींच ले. समझ गया ना जवल लेना जवल प्रार्थना द्वारा आप क्या कर सकता है एकदम उनके नजीक आप क्या कर सकता है रह सकते क्योंकि आप बात करते हैं उन्होंने बात करने का हमारे पास लिख कर दे दिया है. आप क्या लिख कर दे सकता है आप लिख कर नहीं सकता है. अब रोज उनसे क्या करना है हाँ उपस्थिति में आप घुटने डालकर बना उपस्थिति बना देने का. बादल क्या करता था पहले मोसे पहाड़ पर चढ़ते वो बादल आकर क्या करता था माहौल बना देता था उधर. समझ गया माहौल बना देता फिर उधर उसका अंदर रहकर दोनों क्या कर लेते थे बात कर लेता था. समझ गया ना मेरे को ऐसा अनुभव बहुत बार हुआ था बादल का अनुभव तो पहले बहुत बार हुआ था कितना कटा वो उठेगा नहीं आँख नहीं खोलेगा मेरा हाथ पैर पूरा इतना बड़ा बड़ा मेरे को दिखेगा ऐसा बादल का अंदर कितना गड्ढा मिलेगा अपने आप उठे तभी मेरे को क्या कर सकते. बहुत बार ऐसा पहले अनुभव परमेश्वर को बात किया था आगे मोसे क्योंकि ऐसा बादल का अंदर दोनों आ जाता है फिर क्या कर लेते हैं किसी को नहीं मालूम आवाज़ किसी को नहीं दुआ चलता रहेगा लोग देख रहे थे उधर क्या कर रहे हैं तदग्र धुआं उठ रहा है इसरा डर जाता था प्रभु तो ये तो बात ही नहीं कर पाएंगे. समझ गया ना तो ये प्रार्थना इतनी बड़ी अच्छी चीज़ है उनको हम क्या कर लेंगे हमारा नजीक खींच लेंगे अंडी कोंडे नजीक क्या कर लेते खींच लेते हैं. लेकिन प्रार्थना करना कोई भी क्या नहीं करना है छोड़ना नहीं. अगली बात पढ़ो एफेसी 3:14. मैं इसी कारण
उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। बस या कारणास्तव स्वर्गातील व पृथ्वीवरील प्रत्येक वंशास ज्या पित्यावरून नाव देण्यात येते त्या पित्यासमोर मी गुडघे टेकून अशी विनंती करीतो। गुडघे टेकून और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना और हम क्या करना है? गुडघे टेकना, परमेश्वर को खींच कर समीप ले लेना एक। तो ऐसे परमेश्वर समीप में है तो प्रार्थना मालूम पड़ता है। अब प्रार्थना में क्या निकला? थकेगा भी नहीं है, प्रार्थना का माहौल अलग मालूम पड़ता है। हाँ, बात कर रहे किससे? बात कर रहे बोले तो सामने कोई है। तो और क्या है? घुटने टेकना। क्या करना पड़ेगा? घुटके टेकना। पिता के सामने क्या करना? घुटना। घुटना तो अभी हमको झुकता ही नहीं है। तो ये देखिए, अपने उम्र का बात, उम्र चलो उम्र हो गया कई प्रॉब्लम से, लेकिन जवान कोई भी क्या नहीं करना है। जितना आप घुटने में खड़ा रहेगा आगे आपको पल है। घुटने में खड़ा रह के 3-3 घंटा 4-4 घंटा क्या करना है? घुटने में होकर प्रार्थना करना है। अभी जवान कोई घुटने में है? जवान ही घुटने में खड़ा रहता नहीं। समझ गया? घुटने होने के आपको तकलीफ नहीं है, आप क्या कर सकता है? कितना घंटे में घुटने में पढ़ने वचन देता है ना, वचन है ना, तो लिखे रहना क्या करना है। पिता के सामने कितना खड़ा रहना, प्रार्थना करते घुटने पे खड़ा रहना, पिता के सामने घुटने पे खड़ा रहना। समझ गया? इसलिए प्रार्थना करने समय घुटने में तकलीफ रहेगा तो बात अलग, जवान कोई बोल नहीं पाएगा। जवान ये 45 उम्र तक तो आपको छूटे कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। समझ गया? तो अभी क्या, 1 साल से ये जला तब से ये दर्द और कमर दर्द कारण और जास्ती दर्द, नहीं तो ये नहीं में खड़ा रहता, ठीक है? इसलिए बोलने के नहीं, किधर लिखा घुटने में खड़ा रहने प्रार्थना के टाइम। हम तो पूछेंगे किधर खड़ा ले घुटने, किधर लिखा? पढ़ो और पढ़ो। अब इतना मालूम पड़ा ना कि क्या कैसे क्या क्या करना प्रार्थना, एक संपर्क की क्या करना प्रार्थना टाइम, संपर्क जुड़ जाना। सबसे बड़ा चीज क्या है? संपर्क जुड़ना और हृदय को उंडेलना और तीसरा खींच लेना और घुटने डालना, रोना एक उसमें एक। और देखो बाइबल स्टडी में मेरे को वचन चाहिए, वचन के बगैर आप कहानी लिखे वो संडे क्लास। बाइबल स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? वचन मालूम पड़ना, किधर किधर है करके। इसलिए पढ़ने टाइम सीधा इसे बाइबल बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ने टाइम मालूम पड़ेगा वचन किधर किधर पढ़ा है। समझे? आप वचन पूछेगा एक बार, क्या बार भी वचन नहीं है मार्क 1/4 कम किया, ये बार क्या करेंगे? अर्धा मार्क कम करेंगे, वचन नहीं है सामने अर्धा मार्क, और अगले बार पावना उसके बाद 1 मार्क पहले वचन ठंडा। समझा? वचन चाहिए, वचन आप लोग क्या करना है, क्योंकि आपको वचन आपको जितने मालूम पड़ेगा आपको और बाइबल में ताकत है। आपको वचन में क्या है? परमेश्वर और ताकत है। पढ़ो और पढ़ो फिलिपी 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समूह उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु ने सुरक्षित रखेगा। कशाविषयी चित्ताक्रांत होऊ नका, तर सर्व गोष्टी विषयी प्रार्थना व विनंती करून
सर्वकोष्ठी विषय ओपन किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा हर एक बात सर्वकोष्ठी हरेक प्रार्थना बातों के बारे में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर क्या करते चाहते हर एक बात, ये नहीं कि तुम यही करना ये करना ये करना ये करना, हरेक बातों के विषय में आप क्या करना है प्रार्थना विनंती निवेदन के साथ क्या करना है परमेश्वर के साथ में बताना है हर एक बात, छोटा हो बड़ा हो, समझ गया, हमारा मांगो इच्छाओ जो भी है सारे बात परमेश्वर को आप क्या करना प्रार्थना क्या है उनसे बात करना है। तो हर एक बात उनको क्या करना है आप बताओ ना, हर एक बात उनसे आप क्या करना बातें करो ना, समझ गया, या हर एक बातों के बारे में प्रार्थना निवेदन विनंती इस सब के साथ क्या करना परमेश्वर से बताओ। या कैसा करना प्रार्थना हर एक बार बातों में उनको क्या करना है मालूम पड़ेगा, हर एक बार कोई बात ये नहीं कि मैं ये करेगा आप ये करो, मैं ये छोटे बात इसलिए मैं ये करूँगा आप बड़े बात करो, नहीं, छोटे हो बड़े हो विनंती हो प्रार्थना हो निवेदन हो कुछ भी हो सब किसके पास बताना है उनके पास ही क्या करना है बताना है, छोटी छोटी बात भी क्या करना है उनके पास क्या करना है उनको मालूम रहना है, समझ गया ना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर 24 घंटे किसके साथ बैठते हैं आमार, तो अरे एक बात तो भी पता नहीं किस में और आपके क्या बढ़ता है रिलेशन बढ़ता है नहीं, आपको दोस्त के पास छोटी छोटी बात भी क्या करेगा पता तेना मन में कुछ रखता है, इसी प्रकार उनसे भी क्या करना है बातें करो, उन्होंने चाहता है सारे बात मेरे से क्या करेगा मेरे बच्चे बताएगा वो चाहते हैं, समझ गया, इसलिए उनको अन्य कोई करके नहीं समझता हुआ हम हरेक बातों को उनके सामने क्या करना है रखना है, हरेक बातों को उनके पास में रखे प्रार्थना करना, आप उनसे सलाह ले सकता है क्या करना परमेश्वर इसके बारे में उनको बता भी दो, इसके बारे में उनको मालूम नहीं पड़ता है भाई इसको क्या करना है, कई बात विनंती उठाना पड़ता है इस सब आप क्या करना है, इसलिए इसमें क्या हर एक बात के बारे में उनको मालूम करना है, हमारा मन जानता है ये नहीं बोल क्या परमेश्वर को मालूम नहीं क्या, हमारा मन के अंदर जो भी विचार आता है मनुष्य कोने करके क्या है उनको मालूम है, आत्मा सृजा के उन्होंने हमारे अंदर डाला है कंट्रोल उनके पास है सभी मालूम है, लेकिन मैं उन्होंने क्या सोचता है हमारे मुंह से क्या निकलता है हमारा इच्छा क्या है हमारा मन क्या है किसके साथ संबंध रखना है किसके साथ बातें करना है, देखो हम किसी से हमको नहीं पसंद है उससे हम कम ही बात करते हैं बराबर नहीं, हमको किसी कोई पसंद नहीं है उसे कम बात करते हैं, कोई पसंद है पूरा बात करेंगे कितना गंदे भी बैठ के क्या करेंगे बात करते हैं ना, तो इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है हम पूरे बात उनसे ही बात करके उनसे रहे तो उनको पूरा मालूम है ये पसंद किसका है लालसा किसके ऊपर ही रहता है उनको ऊपर ही रहेगा उनको मालूम है, इसलिए हमारा मन हमारा चाल चलन हमारा इच्छा हमारा लालसा हमारा प्यार वो प्रार्थना द्वारा क्या किया जाता है मालूम पड़ जाता है हमारे बारे में माल में, लेकिन हम उनके साथ व्यवहार कैसा रखता है ये प्रार्थना द्वारा क्या करेगा मालूम पड़ेगा, इसलिए कि छोटी छोटी बात भी हम उनसे बताता है उनसे हम पूछते हैं उनके लिए वेट करता है परमेश्वर के लिए क्या करता है उन्होंने जो करे उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं ये बात में क्या नहीं कर सकता है हमसे कर नहीं पाएगा दुनिया नहीं करता है दुनिया वेट करता है क्या तुरंत डिसीजन लेते कर लेते हैं तो ऐसा हम भी नहीं कर पाएंगे हम भी कर सकते लेकिन नहीं करने मैं क्या करता बोल दिया अभी ये ना इसके लिए मैं क्या आप क्या कर रहे हो उसके लिए वेट कर आप जो करने वाला चीज़ के लिए वेट कर रहा है इसलिए उनसे सारे बात बताना क्योंकि परमेश्वर जो भी देता है उसमें से क्या वेदना नहीं रहता है परमेश्वर जो भी डिसीजन लेता है ना उनके साथ क्या नहीं रहता है वेदना नहीं रहता है हम डिसीजन लेते हैं उसके साथ वेदना रहता है फिर जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा उसी कारण कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, इसलिए छोटे हो बड़े हो कौन सा भी चीज़ हो प्रभु आप बताओ इसको आप मेरे को फैसला कर दोगे इसके बारे में क्या करना है रखो परमेश्वर सम्मुख में क्या करना है रख दे विनती के साथ क्या करना है रख देने क्या आप मुझे क्या करना है ये करके दे हम उसमें डिसीजन नहीं लेने तभी उनको
अभी हम किसको बड़े लोग तो चाइल्ड पर हो, आपको कोई अच्छा वाला हो, कुछ भी बात होगा, आप क्या बोले, आप मुझे करके, आप जो बोलेगा मैं इसे करूँगा, तो उसको मान कितना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप जो करेगा वो इसके लिए ठीक है, आप करके बोलो, आपको जैसा लगेगा वैसा करके दे, तो कितना मान पड़ता है, वो कितनी मन में कितना प्यार, देखो मेरे ऊपर कितना मान रखा है, कितना प्यार रखा है, वो तो जान छोड़ के करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी क्या करता है वैसा, हम पूरा उसके ऊपर डाल रहे हैं, उन्होंने कितना प्यार मुझ पर रखा है, कितनी भरोसा रखा मुझ पर मेरा बच्चा, समझ गया है, मेरे पर कितनी विश्वास रखा है, मैं करेगा करके उसको क्या है मालूम है, नहीं करेगा करके भी क्या है, करो या ना करो, लेकिन पूरा मेरे ऊपर ना उसने बोझ रख दिया, विश्वास रख दिया, तो हमारे ऊपर के एक स्टैंडर्ड उनके सामने क्या करते हैं, बढ़ते हैं, हम उनके प्यार को सब उन्होंने उसे समझ पाता, इसलिए क्या करना है, मुँह खोल कर छोटे वो बड़े वो बातें करता, समझ गया, क्योंकि प्रार्थना द्वारा उनके हम नचिक ले लेते हैं ना, फिर बातों करना, कितने घंटे भी बैठकर बातें कर, बताओ खुद का डिसीजन कभी क्या करना नहीं, पूरा समय लगेगा, परमेश्वर जो करता है उसके लिए क्या करेगा, टाइम चलने देना, टाइम लगने देना, क्या होता है, समझ गया ना, ये सारे बात सब बात उनको क्या करना हम बताना है। हाँ पहले तस्लोनी 5:17 पहले तस्लोनी 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सर्व स्थितित उपकार स्तुति करा, निरंतर प्रार्थना करा, निरंतर प्रार्थना करा ना, अब प्रार्थना कैसा करना है, निरंतर प्रार्थना करा, बराबर, निरंतर ये कैसा होगा, निरंतर बोले तो मराठी में निरंतर, निरंतर प्रार्थना कर करो, निरंतर कैसा होगा, निरंतर हम कुछ भी बैठते हैं, हमारे लिए टाइम निकाल के बैठता है, बाकी टाइम काम करने टाइम पूरा हम क्या करना, मन से बात करो, बात करते हैं मन से बात करना, समझ गया, मनन अलग है, वचन कुछ लेके मनन करना अलग होता है, और बात मन से बात करना अलग होता है, वैसे बैठ के बात करता है ठीक है, बाकी टाइम निरंतर प्रार्थना कर बोलने के समय, निरंतर क्या करना, कुछ भी हम काम करने के समय मन से हमारा विनंती प्रार्थना क्या करना, करते रहना, बातें करते रहना, समझ गया, समझता, तो क्या होता है उसमें निरंतर बोले तो इसमें हमको गैप नहीं होता, दूसरा इसमें क्या नहीं आएगा, नहीं तो हम क्या करेगा, चिंता वो ये दुनियादारी की क्या करता है जगह, वो जाता है वो जगह नहीं देने का, दुनियादारी की जगह नहीं देते हुए हम काम करो, बाकी कुछ भी करो, वो टाइम पूरा परमेश्वर से बातें करते हुए प्रार्थना करते हुए, बात करना क्या, प्रार्थना करना, मन से प्रार्थना करो, और घुटने डालकर प्रार्थना करते हैं, अलग प्रार्थना करता है, ये सब अलग होता है, लेकिन 24 घंटा नहीं बैठ पाएंगे हम, अगर नींद का अलावा बाकी टाइम क्या करना है, तो दूसरे से हम बात करता हो, बात करने टाइम में क्या है, वो तो परमेश्वर इच्छा के अनुसार बात करना, वो एक है, और बाकी टाइम क्या करना है हमको, और टाइम हमको मिलता है काम करना, वो टाइम मन से ही हम क्या करना है, प्रार्थना करते हैं, बात करते हुए हमारा काम क्या करना है, कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, प्रभु ऐसा ऐसा बातें, ऐसा ऐसा बातें मन से नहीं बोलते हैं, मन से ही करते ही हम क्या करना, फिर बैठने टाइम पूरा बात को बात में लेके हम लोग की प्रार्थना कर सकता है, इधर गुंडेल कर प्रार्थना कर सकता है, अकेला बैठने टाइम बाकी टाइम बातें करते ही आप क्या करना है ना, तो दुनियादारी आपको अंदर नहीं आएगा, बाकी कोई चिंता नहीं आएगा, समझ गया, नहीं तो बाकी कोई चिंता और बीच में आ जाएगा, वो टेंशन ये टेंशन वो बात ये बात, फिर वो कनेक्ट क्या हो जाता है, छूट जाता है, तो कनेक्शन कभी परमेश्वर से क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है करके निरंतर तुम क्या करना, प्रार्थना करना, सारे बोझ सर को परमेश्वर सर पे रख लेके आप निरंतर प्रार्थना करता
रहना परमेश्वर चाहता है कि हर एक बार उसे बात कर। और ये प्रार्थना क्या होती है मन में, हमारा रिश्ता बढ़ाती है, बढ़ाता है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर साथ का रिश्ता संबंध क्या होता है बढ़ता है। जितना प्रार्थना करता है उतनी बढ़ता है रिलेशन बढ़ता है और विश्वास बढ़ता है। हमारा विश्वास क्या हो जाता है बढ़ता है। आप जितना प्रार्थना करता है तो उसमें मालूम पड़ता है आप परमेश्वर पर बहुत क्या रखा है विश्वास रखा है। इसलिए आप परमेश्वर से क्या करता है हर बातों को लेके उनसे बात करता है ताकि उन्होंने आपको क्या करता है फैसला करके उन्होंने चला है। अब हर बात उनसे बताने का मतलब आप उन पर क्या करता है विश्वास रखता है, समझ गया ना, उस पर आप भरोसा रखता है। इसलिए आपको प्रार्थना दिखाता है एक है उनके साथ का कितना नजदीक रिलेशन। बहुत प्रार्थना करता है बोला था ये बहुत परमेश्वर साथ का रिलेशन में नजदीक है। और एक है विश्वास क्या करता है, ये बहुत विश्वास करता है इसलिए क्या कर लेता है परमेश्वर से हमेशा बातें करता है प्रार्थना करता है और परमेश्वर के पास का आपका डिपेंडेंट क्या बोलता है निर्भर प्रार्थना बताती है। आप जितना आप जास्ती प्रार्थना कर रहे हो तो आप जास्ती निर्भर किसके ऊपर है परमेश्वर ऊपर, थोड़ा प्रार्थना करेगा तो थोड़ा निर्भर राम जास्ती निर्भर रखना थोड़ा निर्भर रखना किस पर मनुष्य पर बाकी रखेंगे, पूरा निर्भर किधर रहना है परमेश्वर पर। कोई मनुष्य कोई चीज कोई वस्तु कोई धन कोई दौलत कोई पढ़ाई कोई चीज पर हम निर्भर नहीं रहे, हमारा एक ही चीज है केवल है जो नाशवान नहीं है जो भला ही करता है हमारे लिए जो जान दिया है आज भी हमको खड़ा करके रखा है हमको जो लेने के लिए आने वाला है उसके ऊपर निर्भर है। ये कभी दिखाई पड़ेंगे आपको प्रार्थना कर रहा है। अब जितना उनसे आप बात करता है जितना आप प्रार्थना करता है तो पूरा मालूम है इसको पूरा निर्भर किसको ऊपर है परमेश्वर को, समझ गया ना पूरा। इसलिए प्रार्थना द्वारा उनको पर का निर्भर मालूम पड़ता है आपको विश्वास मालूम पड़ता है आपका रिलेशनशिप मतलब रिश्ता मालूम पड़ता है, समझ गया। अगर आपको प्रार्थना दिखाए आपको प्रार्थना कच्चा कच्चा है समझ आता है ये परमेश्वर में कुछ भी नहीं, समझ गया। आप प्रार्थना में सोता है प्रार्थना में ठीक नहीं है आपको मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है आपको हृदय उंडेलता नहीं है आप रोता नहीं है आप ऐसी कच्चे कच्चे प्रार्थना में आप कितने नहीं डालता है आप कैसा भी बैठता कैसा भी करता है समझ लेने का तो आप निर्भर परमेश्वर पर नहीं है। और कहाँ तो है आप विश्वास परमेश्वर पर नहीं करता है तो आपको विश्वास और किसी को ऊपर, समझ गया। आपका रिश्ता परमेश्वर के पास सही नहीं है, समझ गया, रिश्ता संबंध सही नहीं है इसलिए आप बात नहीं कर पाते। ये आपको प्रार्थना से मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति प्रार्थना में क्लियर रहेगा ना वो कभी वो सब ठीक हो जाता है, समझ गया ना। लेकिन सब जिसने प्रार्थना हमसे सबसे बड़ा एक चीज है आपको कैसे विश्वास है, विश्वास रहने का हम सब कुछ करते हैं नहीं, ये श्वास निकलने वाले तो कुछ कर पाएंगे। आज बीच में श्वास निकलता था ऑक्सीजन के लिए क्या कर लेते थे लोग भागते थे ताकि ये श्वास को पकड़ के रखेंगे तो कुछ हो जाए, ये श्वास निकल चला जाएगा कुछ नहीं, इसलिए वेंटिलेटर से बाहर से किधर किधर से हवा को क्या कर लेते हैं ये श्वास को निकलने नहीं देते हुए, निकलेगा तो भी वेंटिलेटर के द्वारा क्या करें वापस उसको बनाए रखो वापस उसको खींच लो करके क्या कर लेते हैं, समझ गया। तो ये श्वास जैसा इतना बड़ा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंसान को प्रार्थना भी वही श्वास है, प्रार्थना नहीं है आप क्या नहीं कर पाएंगे कुछ, श्वास चलेगा समझ गया आप क्या मुर्दा मुर्दा कुछ कर पाएगा या बाइबल पढ़ सकता है या विश्वास कर सकता है या आगे चल सकता है कुछ नहीं कर पाए, समझ गया। तो पहले अभी तो सब लिखा पड़े लोग बोलते
पहले पहले सेवक लोग थोड़ी लिखा पड़ा है, ऐसे चलते थे। हर तरह प्रार्थना द्वारा परमेश्वर उधर दान रखा, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे, किधर जाएगा उधर क्या करे, वो वरदान यूज कर लेता था परमेश्वर, वरदान से चलाता था, किधर भी जाता था इंग्लिश बात करना इंग्लिश, और तमिल बात करना तमिल, या मलयालम बात करना मलयालम, किधर भी जाएगा वही भाषा क्या कर लेते थे। हमारे भिन्न भाषण पापा कैप्टन सामने उनको भिन्न भिन्न भाषा का वरदान है, उन्हें किधर भी जाएगा वो भाषा में क्या कर लेता, प्रचार कर लेता है। लद्दाख अभी तिब्बत में जाएगा तो बुद्ध रहता ना वो भाषा और तमिल मलयालम तो आता, मलयालम हिंदी इंग्लिश तो आता है, किधर भी जाएगा बाहर गाँव जाएगा तो बाहर गाँव का इंग्लिश, हमारा इंग्लिश अलग है उधर का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो बाहर गाँव जाए अमेरिका कनाडा वगैरह जाए तो उन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, वैसा इंग्लिश में क्या कर लेते थे उधर प्रचार करते थे, ऐसा उनको भिन्न भिन्न भाषा का वरदान है। तो उन्होंने तो पढ़ा ठीक है, लेकिन पहले क्या सेवक लोग क्या कर लेते, परमेश्वर में कुटने डाल के कुटने में रहते 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 पूरा वरदान परमेश्वर क्या कर लेते देते, उसी के द्वारा हर जगह जा कर के हर लोग बोले कि ये सारे भाषा पढ़े हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, तो करके क्या करें, लोग सोचेंगे ना, लोग सोचेगा तो बहुत पढ़े लिखे सारे भाषा इसको आता है, लेकिन बच्चे ने भिन्न भिन्न भाषा है तुमको क्या करेंगे बात करने के लिए देंगे, समझ गए, ये सब कुटने में प्रार्थना के द्वारा, ये सब क्या है प्रार्थना, इसलिए हमारा श्वास क्या है प्रार्थना, श्वास चल गया आप कुछ काम करनी है, खाली से हमें फिर रहने के योग्य नहीं, समझ गया। अभी आप प्रार्थना कैसा करते हैं देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा जीवन आया, अभी प्रार्थना ही करना है, प्रार्थना जीवन आएगा तभी ना, हाँ स्वास्थ्य देखो ऐसे के में हम देखने के समय उधर अटियाँ क्या है, सूखा अटिया था, सबको सब जोड़ के सब जुड़ गया, लेकिन श्वास नहीं पुका तब तक खड़ा नहीं हो पाएंगे, लास्ट में क्या किया था श्वास पुका ना, श्वास पुका तब नहीं कि सेना होकर खड़े हुआ, अगर श्वास नहीं तो कैसा करेंगे, अगर प्रार्थना नहीं तो क्या करेंगे आप, हाँ श्वास नहीं तो फिर किधर रखना पड़ेगा आपको, वेंटिलेटर में रख दिया तो समझ गया नहीं खत्म ही, वापस लौटना वाला एक्सीडेंट के लिए ये बार लोग घुमा 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 फिर एक दिन ऐसे ही घूमना पड़ेगा, उधर जाएगा तुम्हें बचेगा क्या, इधर एक कल से हमें जाएगा तो बचेगा क्या, उधर श्वास मिलेगा क्या, इधर मिलेगा क्या, करके क्या करना पड़ेगा, हाँ भागना पड़ेगा एक दिन, उसके पहले क्या करना क्या, घुटने में होकर रिलेशन को मजबूत बना, उनको खींच के सामने ले लो, प्रार्थना द्वारा क्या करो पिछवा कर सामने ले लो, आपको प्रार्थना ऐसा रहेगा वहां कर तुरंत क्या करना है, ये दानियल तू कभी तुम तेरे शरीर को दुख देने के लिए शुरुआत कर दिया उस दिन से तेरे क्या क्या है, हाँ सुन लिया गया है तेरा प्रार्थना, तेरे में क्या लेके आया है उत्तर, लेके आया है संदेशा, लेके आ गया है, ऐसा क्या करना है, हमारा प्रार्थना ऐसा होना कि परमेश्वर सहले नहीं, अब ये तो इसको अभी उत्तर नहीं देते तो कुछ भी कर देगा, ये क्या करेगा, मैं कई कई चीज़ के लिए ये अभी इसको अभी ये बैठना अभी इसको फैसला नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं होएगा करके रहेगा ना, तीन दिन बिना काले से बैठ जाएगा, ये बोलेगा अभी तीन दिन बिना काले से बैठेगा, मेरे को इसका मेरे को फैसला चाहिए, ये क्यों है कैसा है, भाई ऐसा बहुत संकट आके खड़ा रहते हैं कल से समस्या सबके विरुद्ध में, तभी परमेश्वर कभी अभी एक दिन में सुन लेगा, एक दिन में उनको जवाब तो दूसरा दिन में जवाब दे, तीसरा मिलेगा ही मिलेगा, अरे बोले तीन दिन भी ये खाएगा नहीं है, अभी प्रार्थना भी छोड़ेगा ना, रात को सोएगी भी नहीं, सबसे बड़ा बात नींद आता नहीं, खाएगा नहीं तो थोड़ी नींद आता है, सोएगा नहीं मालूम है, इसलिए कभी पहले दिन ही मिल जाएगा या तो दूसरा दिन में उत्तर मिल जाएगा, लेकिन पहले समझ गए ना बोले परमेश्वर को हम क्या करो, समीप खींचो प्रार्थना द्वारा क्या करो, और समीप ले लो ना, हमको समझता नहीं है परमेश्वर कैसा हमको साथ में लेना, परमेश्वर कैसा कर्जदार बनाना, ये सब वचन में हमको ट्रिक बना दिया, लेकिन हमको दुनियादारी की टिक्री में दुनियादारी को तो बहुत कुछ चला था हमारा, ये परमेश्वर हमको कई बात क्या करके रखा है,
अंतग्रह का बना हो ना ऐसा, बना कर रखो तभी ना परमेश्वर हमसे देख, मेरे को भी क्या बना दिया ये करदार बना दे, मेरे को भी क्या कर दिया, तीसरा स्वर्ग छोड़ तो मेरे को आना ही पड़ा जा, उतरा मेरे को क्या कर दिया है, इसका प्रार्थना क्या कर लिया है, मुझे बैठने नहीं दिया है, मेरे को आना ही पड़ा इधर स्वर्ग छोड़ के, समझ गया। इसलिए हम क्या करना, सबसे बड़ा श्वास क्लियर है करके क्या करना है, देखना श्वास क्लियर नहीं है तो श्वास के क्या करना है, ठीक है क्या करना, बनाना, बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज है क्या है, उंडे लो हृदय को, उसके अलावा कुछ नहीं, उसको तोड़ो, उसको मरोड़ो, उसके अंदर को मऊ बना, तभी क्या कर सकता है ये सारी चीज आप पा सकता है, समझ गया ना। तो इसके लिए प्रार्थना सारे का परमेश्वर क्या है, बात वो क्या सोचता है, सब बात जैसे बात कर रहे मेरा बच्चा, हम सोचते क्या नहीं सोचते, हमारे बच्चे घर पर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कितना आपको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है, हैं कितना गुस्सा आता है, आता है काम से आएगा तो मोबाइल, घरदार नहीं है कोई बातचीत करने के कुछ बात ही नहीं है तुमको, ये लेके रखता है ये, हाँ बोलता है कि परमेश्वर भी नहीं बोलेगा, हाँ अरे सारी बात मेरे से बात करना, मेरा बाप है ना तेरा, बात करना तो परमेश्वर भी चाहते मेरे से क्या कर बात कर, हमें इसलिए क्या करना बिंदास उनसे बात करना, समझ गया ना। अभी ये प्रार्थना का पूरा आपको एक सामने वर्ग को क्या करना लेना है, तो लेने के लिए आप इसलिए परमेश्वर के साथ ये प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना करना आप जितना प्रार्थना करते हो उतने आपका संबंध कितना, आप उसके साथ रिश्ता रखा कितना, विश्वास रखा और निर्भर कितना, ये सब आपको प्रार्थना क्या कर लेता है पता था। इसलिए संडे के टाइम प्रार्थना टाइम संडे के टाइम प्रार्थना टाइम में देख लेता कितनी आपको क्या है प्रार्थना है, प्रार्थना तो ये प्रार्थना ठीक नहीं है, आप नहीं आप कुछ भी नहीं, आप क्या है वेंटिलेटर में क्या ले जाने का, फिर वेंटिलेटर में ले जाके वेंटिलेटर में गया तो फिर वापस भरोसा नहीं रखने का, वेंटिलेटर में जाने के बाद भरोसा नहीं रखने का, वापस से आए, समझ गया, वापस ऑक्सीजन भी अपने खुद को श्वास निकल गया क्या, तो फिर ऑक्सीजन भी आपको नहीं मिलने वाला, समझ गया। अब ये बार क्या मालूम है ये किस किस को ये श्वास घुटना है ना, ऑक्सीजन लेने के लिए गया था, लेने की जगह पे वो लोग ना कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ तो दे दिया, अमोनियस वो दे दिया, देने के कारण क्या था वो श्वास वो खींच लिया उसे तो पूरा इधर का क्या हो गया स्टक हो गया, वो रुक गया, फिर उसके बाद में क्या था किडनी निकालने वाले किडनी किसी किसी के बेचने के बोल देते तुम्हारा अभी सारी चीज जिंदा है लेकिन तुम अभी वो क्या कपड़ा पड़ा के पूरा सिस्टम बंद हो गया है, अभी आप किसको दान दे सकते हैं क्या, ऐसा कोई कोई डॉक्टर बोलता है तो पैसा देगा दान, वो लोग उसको पहले ये रहता है ना ऑर्डर रहता है ना डॉक्टर्स का ऑर्डर रहता है लाखों रुपये का ऑर्डर रहता है, तो तुरंत वो भेजा कुछ लोग आई सी यू निकाल के भेजा, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब हमारे लिए क्या है चेतावनी है, ये सब चेतावनी, तो हमारा भी श्वास रुक गया तो क्या करेगा शैतान करेगा नहीं, किसको निकल जाएगा पहले आँख को निकालेगा फिर क्या करेगा चक्की पीस निकले रखेगा, रखेगा क्या नहीं तमाशा बनाएगा, मैजिक कर मैजिक दिखा फिर मैजिक दिखाने का है ना, इसको पहले अगर श्वास नहीं छोड़ो प्रार्थना निरंतर जैसा हमको प्रार्थना चाहिए उतना प्रार्थना हमको कहना चाहिए तभी ये सब चीज़ बच्चन उसके बाद ही क्या कर सकता है, और श्वास रहेगा तभी खाना खा सकता है पानी पी सकता है, तो श्वास नहीं है आप खाना भी नहीं सकता पानी भी नहीं पी सकता आगे बढ़ नहीं सकता, शैतान हमेशा ढूंढता घूमता है हमेशा कलजिया में भी रहता है कि किधर इसका वीक पॉइंट है किसको इसको कैसा भी गिरा सकता है, ये सब में घूमता आत्मा नहीं पकड़ा हुआ क्या करना है, इसलिए यीशु बोलता है जागते रहो, ये तो परीक्षा में क्या हो जाएगा पड़ जाएगा, शैतान हमेशा बोलता है कैसा भी हमको क्या कर लेता है बीज अच्छा बीज ही हो जाता है लेकिन मनुष्य सोने के समय क्या कर लेता है कांटे के लिए क्या बो देता है, थोड़ा हम लापरवाही कर देंगे थोड़ा हम आगे पीछे हो जाएगा कुछ ना कुछ लेगा कि क्या कर देगा डाल देगा,
कुछ ना कुछ क्या करेंगे डाल देगा फिर वो समस्या के लेके फिर चलो शैतान थोड़ा भी अंदर एंट्री हो गया उधर खत्म कर कर जाएगा कुछ ना कर कर जाएगा फिर वो समस्या ये समस्या फिर समस्या समस्या क्यों आता है यीशु बोलते जागते रहो तो समस्या परीक्षा में नहीं पड़ेगी जागते नहीं रहेंगे क्या करें वो आके बीज बोएगा ये वो घुसेगा ही अंदर उसके कुछ ना कर कर क्या करेगा जाएगा ही जरूर जाता है थोड़ा भी हम जागरूक नहीं रहेगा ना जरूर वो कर कर जाएगा ही जाएगा क्योंकि हमको बिगाड़ना है ये राज्य को हम क्या करना है हमसे निकालना समझ गया ना इसलिए तो आज आपको इतनी काफ़ी है अभी अभी हफ्ते एग्जाम जितना होगा उतना हमें एग्जाम दे अभी प्रार्थना का और भी सिखाएगा आपको कितना प्रकार के प्रार्थना क्यों प्रार्थना करना है द्वारा मालूम बनना विश्वास ठीक रहेगा ना आगे बढ़ पाएंगे इसलिए प्रार्थना का और आपने सिखाएगा समझ गया इसलिए यीशु परमेश्वर होने पर हमारा अगुआ हम भी ऐसे चलना करके दिन भर पचा करता रात भर होली पहाड़ पर जाकर क्या कर लेता था प्रार्थना करता था हमको हम सीखे परमेश्वर होने पर भी करा तो फिर हम कौन कौन है हम कौन है हम तो बोल ही नहीं पाएगा ना बोल ही नहीं पाएगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह कार्य आजकल सदा कितना बदल का परमेश्वर प्रभा के सरण प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर दयाल परमेश्वर प्रभु आज भी आपके साथ बैठकर वचन सीखने के आपने दिया अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु आपके वचन परमेश्वर कितनी भी हम लोग खो देंगे उसके अंदर इतना परमेश्वर हमारे लिए है प्रभु इतनी बड़े बड़े मोतियाँ मिलता है परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर इसके लालसा में हम लोग हमेशा बना रहने के लिए कृपा दें मेरे परमेश्वर एक व्यापारी ने स्वर्गराज को एक खेती से बड़ा छिपा हुआ धन को देकर मोती को देकर उसके पास जो भी है सब आनंद के साथ बेच कर वो मोती से भरा हुआ खेती को पाया करके खरीदा करके हम लोग देखते हैं ये स्वर्गराज के लिए स्वर्गराज भी वैसा है मोतियों से भरा हुआ चीज है अब इसको पाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए जो भी लाभदायक है सब बेच कर मेरा लालसा पूरा आप है आपको मंदिर में रहकर हम परमेश्वर में आराधना करना प्रार्थना करना आपको वचन को परमेश्वर प्रभु मानन करना यही मैं चाहता हूँ परमेश्वर हालेलुया आपके हजार दिन दूसरों के घर में वास रहने से भी बढ़कर मेरे परमेश्वर का मंदिर का टेवड़ी में रहना एक दिन मेरे लिए भला है प्रभु हम प्रभु यही मैं चाहता हूँ परमेश्वर हालेलुया हाँ प्रभु दयाल परमेश्वर प्रभु दूसरों को दाख मधु और अन्न भरा रहने के समय रहने वाले आनंद से बढ़कर मेरा परमेश्वर उदार का आनंद मुझ पर दे दिया प्रभु हालेलुया आनंद से आपके साथ चलने के लिए हम लोग कृपा अनुग्रह कर परमेश्वर मेरे प्रेमी परमेश्वर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर मेरे कृपाल परमेश्वर हालेलुया हम दयालु हमारे मन जानते परमेश्वर प्रभु हालेलुया हम प्रभु थोड़े से बल रहेगा तो भी मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है करके हमें देखता है कुचले व नरकंठ को कभी नहीं तोड़ता है आप प्रभु माते में पति को कभी नहीं बुझाने वाला परमेश्वर हमारा मन देखता है प्रभु एक दिन आपको पूरी तरह से परमेश्वर प्रकाशन करने के लिए रखने वाला परमेश्वर है हम प्रभु केवल मन लगाकर आपके साथ चलने के लिए कृपा है अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपका दया आपके अनुग्रह आपका आशीर्वाद हर समय प्रभु आया वो बच्चों पर भी जो नहीं आया वो बच्चों पर भी बना प्रभु हर एक बच्चों को आप तैयार करके अनुग्रह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मान जय मसीह आमीन जय मसीह